अब जो है हम शौक करवाने वाले हैं, कौन से कबूतर हैं कल सिरों में? कल सिरे छपे हुए। अच्छा ये देखे कल सिरे छपे हुए, और इनका देखे साइज देखेगा कितना लंबा चौड़ा साइज है, और ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे चील के बच्चे ले रखे हो उन्होंने, और बहुत ही प्यारे देखे कितना लंबा साइज है इनका। सारे कबूतरों में अब तक जो सबसे बड़े कबूतर हैं वो यही कबूतर हैं, और आँख का जरा ये नर मादी इनका जोड़ा है ना। हाँ अच्छा तो इनका क्या क्या डिमांड कर रखी है आपने? हाँ 5 हज़ार रुपये आपने क्या डिमांड कर रखी है इनके? ये बेचने वाले और हैं। ये देखिए ये जो है नस्ल नायाब है, बिकने वाली नहीं है नस्ल, लेकिन फिर भी ये पट्टे वगैरह जो है नस्ल बनाने के लिए जो शौकीन लोग हैं वही उनको ही देते हैं, क्योंकि आमतौर पे कोई आदमी होगा जो 4-5 हज़ार रुपये का कबूतर लेगा तो शौकिया लोग जो हैं वही लेकर के जाते हैं नस्ल बनाने के लिए। और बहुत ही प्यारे कबूतर कल सिरे छपे हुए जिन कबूतरों कहा जाता है वो यही है। ज़रा एक कबूतर का इस पर नर का शौक कराओ, पंख का और पंजों का। ये देखिए कितने लंबे पंख हैं इसके, और मुझे कैमरा हर बार दूर करना पड़ रहा है। अमूमन जो है मैं इस लंबाई में बनाता हूँ, और इनके लिए जो है मुझे पूरा दूर करना पड़ रहा है। पंजे दिखाइएगा, और ये जो है ये देखिए कल से छपे हुए हैं, इनको कहा जाता है। ये देखिए पंजे की चौड़ाई और छोटी वाली पूंछ भी देखिएगा, बहुत प्यारा कबूतर। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको, एक कबूतर ये है जो बैठा हुआ है और एक कबूतर ये है, देखिए कितना फर्क है। वाकई में बहुत लंबे चौड़े कबूतर हैं, और अगर मैं कबूतर पालता तो मैं जो हूँ ये पट्टे ज़रूर लेकर के जाता, पट्टे नहीं तो कम से कम अंडे तो ले जाता नस्ल बनाने के लिए। बहुत प्यारे कबूतर, किंग साइज के छपे हुए कलचरे बोला जाता है इनको। और ये देखिए ये कौन सी काजनी, और ये देखिए थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी हो गई अब। और ये काजनी कबूतरी है बड़ी प्यारी, और आग का शौक करिएगा। तो इसके कितनी उड़ान है? इसकी भी काफी उड़ान है। अच्छा बहुत प्यारा कबूतर है।